दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र कच्छा फ्रॉम उदयपुर आर सिविल इंटरप्राइजेस से। और एक नया तेल का मैंने वर्क किया है, दो प्लेट की आयोनाइजर मशीन भी बना दी मैंने। काफी दिनों से सोच रहा था कम रेंज में कम इन्वेस्टमेंट में लोगों को एलिवेट पानी कैसे मिले, बढ़िया से बढ़िया पानी जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट से मिलता वो छोटे से इन्वेस्टमेंट से कैसे मिले। इसके लिए मैंने ये मशीन डेवलप की है, इसका मैं आपको डेमो देना चाहता हूँ जितना जल्दी उसके दूँ। अभी देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो मैं पानी डाल रहा हूँ, इनपुट वाटर जो है वो ये इनपुट वाटर मैं आपको बताना चाहूंगा। ये इनपुट वाटर इसका पीएच कितना है, ये कितने पीएच का इनपुट वाटर है आप देखेंगे। ये पीएच देखिए आप, इनपुट वाटर क्योंकि हम पानी जो डाल रहे हैं हमें वो ध्यान देना है। ये 5.5 पीएच का इनपुट वाटर है, मैं इसको यहाँ आपके सामने रख देता हूँ। और अब मैं मशीन को ऑन करने वाला हूँ। ये मैंने मशीन ऑन कर दी, ये मेरी मशीन ऑन हो गई, ये स्विच ऑन हो गया, ब्लू लाइट जलेगी, ये आपकी मशीन ऑन हो गई है। लेकिन अभी आयोनाइजेशन होना स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके लिए ये स्विच है आयोनाइजेशन के लिए। आप ऊपर की तरफ करेंगे तो ये ग्रीन लाइट जलेगी, तो समझ लीजिए आपका आयोनाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर इसका मैं पानी लेके आपको पीएच चेक कर बताता हूँ कि ओनली दो प्लेट टाइटेनियम की, दो प्लेट की मशीन है जो भी आपको ओआरपी लगभग 700 के अबव देगा। मैं पहले आपको पीएच दिखा देता हूँ कि कितने पीएच का पानी, देखो हाइड्रोजन कितनी होगी इसमें, देखो बुलबुले दिख रहे हैं आपको, ये 10 पीएच का पानी आपको इसने दिया है। हम इस पीएच को घटा बढ़ा सकते हैं, वो कैसे वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं इसको भी यहाँ रख देता हूँ और इसका ओआरपी के लिए पानी ले लेता हूँ, जिससे ओआरपी मीटर हमें ओआरपी दिखाना स्टार्ट कर दे। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पानी का ओआरपी नेगेटिव है तो कितना है। इसमें एक खूबसूरत बात है कि एसिडिक पानी भी आपको नेगेटिव ओआरपी देगा। अगर ये 700 दे रहा है तो वो नेगेटिव एसिडिक आपको 500 के लगभग देगा। ये आप देखें, ये -842 846, ये आप देखें। ये ओनली दो प्लेट की मशीन मैंने बनाई है। काफी समय से मैं इसका सर्च कर रहा था, रिसर्च भी कर रहा था कि कैसे ये अच्छी से अच्छी बन सके। -856 ये चल रहा है अभी, लेकिन हम इसको -850 एक बार पकड़ के चलते हैं कि -850 है, ये 900 -900 तक जा सकता है। अब मैं एसिडिक पानी भी आपको दिखा देता हूँ कि एसिडिक पानी के अंदर -ORP देखिए आप, इसमें भी हाइड्रोजन आएगी और इसका भी हम ORP चेक करेंगे, ये कितना माइनस आएगा वो हम देख लेते हैं। ये ले लिया मैंने और अब आप देखें इसमें ये माइनस, ये देखिए आप एसिडिक ORP का भी -746, ये एसिडिक पानी है। इसका मैं पीएच दिखा देता हूँ आपको, ये आप पीएच देखें, ये मैं निकाल रहा हूँ और ये इसका मैं आपको पीएच दिखाता हूँ कि ये कितने पीएच का पानी है। नॉर्मली एसिडिक में पॉजिटिव प्लस ORP आता है, ये 5.5 पीएच का पानी है जो आपको माइनस नेगेटिव ORP, इसको आप नहाने के अंदर बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर मैंने एक ऑटो वॉश सिस्टम दिया है। दोस्त गुड मॉर्निंग के टाइम में सबसे पहले आप 15 सेकंड के लिए इसको ऑटो वॉश पे डाल सकते हो और ऑटो वॉश के लिए जैसे ये स्विच है, अभी जो ये ग्रीन लाइट है ये हटेगी, ये बीच में न्यूट्रल हो गया और नीचे मैं इसको और करूंगा, पुश करूंगा तो ये ऑटो वॉश पे चला जाएगा, ये ऑटो वॉश हो गया। रेड लाइट का मतलब है इसका ऑटो वॉश, ये ऑटो वॉश सिस्टम स्टार्ट हो गया। इस ऑटो वॉश के अंदर आप देखेंगे कि जो पानी एल्कलाइन आ रहा था वहां से पानी आपको एसिडिक आना स्टार्ट हो जाएगा। ये एल्कलाइन पानी आ रहा है, यहीं से मैंने आपको 10 पीएच का पानी बताया था और यही पानी आप देखेंगे तो ये पानी का पीएच इसने कम कर दिया। ये देखें, ये ऑटो वॉश हो गया। ये खाली 20 सेकंड के लिए आपको करना है, इससे ज्यादा वक्त आपको नहीं देना है, 15 से 20 सेकंड आप अपनी स्टार्ट करो, जो टाइमिंग देख लीजिए। मैं वापिस इसको पुश कर रहा हूँ और ये ऑटो वॉश मेरा कंप्लीट हो चुका है और वापिस मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ये मेरा ये ऑन हो गया, ऑनली आपको 20 सेकंड के लिए करना है, 20 सेकंड से ज्यादा आपको वक्त नहीं देना है। अब आप देखेंगे कि ये ऑटो वॉश किया, जब ये एसिडिक पानी आया प्लेटों पे हार्डनेस चिपक जाती है, वो हट जाती है ऑटो वॉश, इसलिए हमें करना होगा।
और ये भी मैंने इसमें सिस्टम दे दिया है। और अभी मैं आपको वापस अभी देखते हैं कि इसमें जो पानी मैंने ये वाला निकाला था, अब वापस ये पानी किस पीएच का देने लगा। ये अभी ये मैंने निकाला था, ऑटो वॉश किया था जब, अब मैं इसके ये पीएच डालता हूँ। ये आप देखिए, ये रिटर्न आ गया आपका वापस 10 पीएच का। अब हमें ये है कि हमें पीएच कम ज़्यादा करना है, तो ये मैंने इसमें देखे आप बहुत इजी है। ये पंप है 150 GPT का पंप है, 150 GPT के पंप के अंदर मैंने कनेक्टर लगा दिया इधर भी और इधर भी, और ये बीच के अंदर ये ऑन ऑफ करने का सिस्टम एडजस्टर लगा दिया। इससे मैं प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अब आप प्रेशर पे ध्यान दें कि मैं देखिए मैं जो ही प्रेशर ज़्यादा करूँगा इसका पीएच घट जाएगा। ये प्रेशर ये आपका प्रेशर तेज हो गया, ये देखें आप देख रहे हैं प्रेशर तेज हो गया। अब इस प्रेशर के अंदर इसका पीएच घट जाएगा। हम लेते हैं इसको, ये प्रेशर आप देख रहे हैं कितना क्या प्रेशर आ रहा है, ये देखें आप प्रेशर। अब मैं इसका पीएच बता देता हूं कि इसका कितना पीएच बना। हम प्रेशर से इसके पीएच को कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखें आप प्रेशर से ये लगभग 8.5 पीएच का आप इस प्रेशर से पानी ले सकते हैं। ये दिस वन 8.5 पीएच का पानी है जो आप इस प्रेशर को देके ये पानी ले सकते हैं। प्रेशर अगर हम कम करेंगे तो इसका पीएच 10 पीएच में चला जाएगा। मैं ये प्रेशर कम करने के लिए खाली ये इसको एडजस्टर को एडजस्ट करूंगा, आप उधर देखेंगे ये आपका प्रेशर देखो ये कम हो गया, ये कम हुआ प्रेशर आपका, ये प्रेशर कम हुआ। अब ये प्रेशर कम हुआ इट मीन्स इसका पीएच बढ़ चुका है। ये मैं वापिस से पानी लेके आपको दिखा देता हूँ, इसका पीएच बढ़ चुका है। तो पीएच कंट्रोल हम यहाँ से कर सकते हैं प्रेशर ज़्यादा कम ज़्यादा करके। नॉर्मली 10 पीएच का पानी रेगुलर पीने का नहीं होता है, 8.5 पीएच का पानी आपको रेगुलर पीने का होता है। ये देखें ये आपका वापिस 10 पीएच का हो गया। यहीं से आप एडजस्ट कर सकते हो, जितना पीएच का चाहिए उतने पीएच का आपको ये 7.5 से लेकर 10 पीएच तक आपको ये पानी यहाँ तक ये देगा ये मशीन। तो दोस्तों ये अथक प्रयास से मैंने ये मशीन रेडी किया है। ओनली 2 प्लेट की ये मशीन है जो एक आम व्यक्ति के घर तक पहुंच जाए। इसका ORV भी आपने देखा 850 से ऊपर चला गया था और 750 के करीब इसका एसिडिक पानी का ORV नेगेटिव गया है। तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जरूर आप इसको अपने घर पे लगाएं और अपना इस एल्फाइन वाटर का अपना जीवन में जो फायदा होता है उस फायदे को आप पूरा पूरा लेवे। और एल्कलाइन क्या है उसके लिए आप YouTube पे जाएं, रेजुवेन एल्कलाइन वाटर के नाम से सर्च करें और अधिक से अधिक जानकारी आप एल्कलाइन पानी हमें क्यों पीना चाहिए, एल्कलाइन होता क्या है, एसिडिक होता क्या है, हमारा स्वास्थ्य शरीर जो है वो एसिडिक रहने से स्वस्थ रहता है या एल्कलाइन रहने से स्वस्थ रहता है, ये सब आपको जानकारी अधिक मात्रा में मिल जाएगी। जय श्री कृष्ण अगेन।